एस्टिमेशन से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है और इसमें हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन की टाइप्स, रफ एस्टिमेशन, डिटेल एस्टिमेशन, देन डिटेल एस्टिमेशन की टाइप्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डिटेल एस्टिमेशन में इंजीनियर एस्टिमेशन है, कॉन्ट्रैक्टर्स एस्टिमेशन है, एंड लास्टली वी हैव द प्रोग्रेस एस्टिमेशन, जो कि जब प्रोजेक्ट आपका इन प्रोग्रेस होता है तो उस टाइम जो बिलिंग का प्रोसेस चल रहा होता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, उसको प्रोग्रेस एस्टिमेशन कहते हैं। इसी तरह फिर आपके पास रफ एस्टिमेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपने सॉल्व करनी है और नेक्स्ट लेक्चर में सबमिट करनी है, एंड देन वी हैव सॉल्वड एग्जांपल रिलेटेड टू द डिटेल्ड एस्टिमेशन। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि रफ एस्टिमेशन और डिटेल एस्टिमेशन में फ़र्क क्या है। सबसे पहले एस्टिमेशन की डेफिनेशन, देन डिटेल और रफ एस्टिमेशन के अंदर फ़र्क क्या है, एंड देन वी विल मूव अहेड। सो द डेफिनेशन ऑफ द एस्टिमेशन इज एस्टिमेटिंग इज अ साइंटिफिक वे ऑफ वर्किंग आउट द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, इसमें आपके पास मटेरियल है, लेबर है, इक्विपमेंट है, एंड द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ एन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। दैट मींस कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हमें स्टार्ट करना हो तो उससे पहले हमें जितने भी उसका एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगी उस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की, वो हमें हमने एक रफ उसका एक एस्टिमेट लेना है, और सेम गोज विद द मटेरियल, लेबर एंड इक्विपमेंट जो कि उसके अंदर यूज होगी, उन तमाम को हमने इनकॉर्पोरेट करना है अपनी कैलकुलेशन के अंदर, ताकि हमारे पास एक एग्जैक्ट आप कह लें कि नियर टू द जो आपके पास एग्जैक्ट एक एस्टिमेट होगा उसके करीब करीब हम अपना एक रफ एस्टिमेट बना लें। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ द एग्जैक्ट कॉस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जो आपके पास एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट कैलकुलेट करते हैं वो तो ऑब्वियसली आपका जो जितना एक्सपेंडिचर हुआ वो आप उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो आपके पास एस्टिमेशन होती है ये बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होती है, और इसमें आप एक बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर भी टू फेजेस हैं, एक है रफ एस्टिमेशन और एक है डिटेल एस्टिमेशन। तो बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ द डिजाइन और बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ द ड्राइंग्स, जो आर्किटेक्चर की तरफ से आपके पास डिटेल ड्राइंग्स होंगी, उनके फाइनल होने से पहले भी आप एक रफ एस्टिमेशन एक प्रिपेयर करते हैं। वो रफ एस्टिमेशन क्यों चाहिए होता है, क्योंकि आपने जो भी क्लाइंट विलिंग होता है ही वांट्स टू नो कि इस प्रोजेक्ट को अगर वो स्टार्ट करे तो उसको कितना बजट चाहिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। उस फॉर इंस्टेंस आपने एक 40 स्टोरी प्लाजा आपने कंस्ट्रक्ट करना है, तो बेस्ड ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट जो कि ऑलरेडी पहले बन चुका है उसकी आप तमाम डायमेंशन लेंगे और उसके ऊपर आप वर्किंग करेंगे और उसकी कैलकुलेशन करेंगे, एंड देन जो आपकी अपना डिजाइन है या जो आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं उसको उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। आपके पास फिर एक रफ कैलकुलेशन आ जाएंगी, ओके पर क्यूबिक रेट आपके पास इस सिचुएशन के लिए इतना था और हमारे केस के लिए इतना बनेगा, देन प्लिंथ जो आपका कवर्ड एरिया है उसका आप रेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो वन बाय वन आप तमाम स्टेप, इसको रफ एस्टिमेशन कहते हैं कि बिफोर द ड्राइंग्स आपके पास नहीं है तो आप एक सिमिलर पैरेलल एक सिमिलर या आपके पास जो ऑलरेडी एग्जांपल है एक प्रोजेक्ट जो बन चुका है उससे आप क्या करते हैं अपनी कैलकुलेशन को मेच्योर करते हैं और फिर वो आप अपने वहां पे फॉरवर्ड करते हैं, और तब वो देखता है कि ये आपके पास विद इन जो आपका बजट है उसमें ये आता या नहीं आता। तो अगर वो उस बजट को मीट कर रहा हो तो देन विल गो अहेड, अदरवाइज वो उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप भी कर सकते हैं। ओके, एस्टिमेशन रिक्वायर्स अ थॉरो नॉलेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर्स एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर इन एडिशन टू द स्किल्स, एक्सपीरियंस, फोरसाइट एंड गुड जजमेंट। तो एस्टिमेशन ये भी नहीं कि कोई भी इनएक्सपीरियंस बंदा आप एक ऑफिस में बिठाएं और उसको एक इस किस्म की सिचुएशन दे दें और उसे कहें कि वो एस्टिमेशन करे, ऑब्वियसली वो करेगा मगर बहुत सी चीज़ों को मिस कर देगा जो कि एक एक्सपीरियंस बंदे को ऑलरेडी उसका नॉलेज होगा। और इस केस के अंदर जब आप एस्टिमेशन तरफ जाएं तो ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस बंदा या जो मैच्योर बंदा होगा वो ज़्यादा बेहतर एक एस्टिमेट करके देगा, वेरी कर सकता है, बट जो आप ये कह देंगे कि जो एक्सपीरियंस पर्सन होगा वो उसका पता कैसे चलेगा कि वो उसका पता चलेगा कि जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसमें से कोई अनफोर्सीन या बहुत से जो ब्लंडर होंगे जो आपके पास वीओस के बाद बहुत सा प्रोजेक्ट की प्राइस कोई ऐसी सिचुएशन ना आए जिससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट वेरी करे, तो अगर नेचुरल उसमें चल रहा हो प्रोजेक्ट तो 5-10% उसकी कॉस्ट वेरी कर सकती है, उससे ज्यादा अगर वेरी करेगी दैट मींस कि उसका एस्टिमेशन इतना एक्यूरेट नहीं था। बट एक्सपीरियंस बंदा जो होगा उसकी जो कॉस्ट वेरी करनी चाहिए वो 5-10% मैक्सिमम वेरी करनी चाहिए। ओके,
इसके लिए वो ये बता रहा है कि एस्टिमेशन रिक्वायर्ड, उसके लिए थॉरो नॉलेज होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन के प्रोसीजर उसको मालूम होने चाहिए, मटेरियल्स का कॉस्ट की उसको नो हाउ होनी चाहिए, लेबर्स इन एडिशन टू द स्किल्स, एक्सपीरियंस, फोरसाइट, ऑलरेडी फ्यूचर को कंसिडर करे के विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें कैसे वेरी करेंगी, रेट्स कैसे वेरी करेंगे, गुड जजमेंट होनी चाहिए तमाम कंस्ट्रक्शन में फेजेस के हवाले से, डिलेज के हवाले से, रिस्क के हवाले से, कंटिनजेंसी अमाउंट के हवाले से, ये तमाम चीज़ें जो एक एक्सपीरियंस पर्सन होगा उसके लिए ये क्वालिटीज होना जरूरी है। इन केस द फंड्स अवेलेबल आर लेस देन द एस्टिमेटेड कॉस्ट, द वर्क इज डन इन पार्ट और बाय रिड्यूसिंग इट, और फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास जो बजट है उसमें कुछ आपके पास कम हो जाए तो उस केस में आप क्या करेंगे कि अपने जो प्रोजेक्ट होगा उसको पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, या फिर आप उस चीज़ों को रिड्यूस भी उसके अंदर कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस स्पेसिफिकेशन जो इनिशियली आपने डिसाइड की थी बट ड्यू टू दी बजट कंस्ट्रेंट आप उसमें स्पेसिफिकेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि आप डिज़ाइन के ऊपर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज डन करें विद द कंसल्टेशन ऑफ द क्लाइंट। द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग एन एस्टिमेट, ये कुछ नीचे रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एस्टिमेट प्रिपेयर करने के लिए जरूरी हैं। ड्राइंग्स लाइक प्लान, एलिवेशन एंड सेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ये जरूरी है इसमें ड्राइंग्स इन तमाम चीज़ों की, डिटेल स्पेसिफिकेशन अबाउट वर्कमैनशिप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल, आपके पास स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए कि स्किल लेबर कितनी क्वालिटी में कितनी क्वांटिटी में, मटीरियल आपके पास किस क्वालिटी का होना चाहिए कितनी क्वांटिटी का होना चाहिए ताकि एस्टिमेट आप एक्यूरेट कर सकें। स्टैंडर्ड स्केड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ द करंट ईयर, जो करंट उस पर रेट होंगे वो आपको उसमें पता चल, फॉर इंस्टेंस अगर डॉलर है तो फॉरेक्स जो रेट है करंट ईयर का वो आपने उसको मॉनिटर करना है, पेट्रोल वगैरह के हवाले से आपको करंट उसके ईयर की रेट पता होनी चाहिए। और भी वेरी करते हैं मंथली बेस के ऊपर, और डॉलर तो पर डे के वाले से वेरी करता है, बट आपको इनका एक प्रॉपर एनालिसिस का पता होना चाहिए। फॉर अ गुड एस्टिमेट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रपोज्ड वर्क आफ्टर द कंप्लीशन शुड नॉट डिफर बाय मोर देन 5-10% फ्रॉम इट्स अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट एस्टिमेट प्रोवाइडेड देयर इज नो अनयूजुअल अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। नीड फॉर एस्टिमेट, एस्टिमेट की जरूरत क्यों पेश आती है, इट हेल्प टू वर्क आउट द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू डिसाइड इट्स फिजिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट एंड टू इंश्योर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज इफ प्रपोजल इज अप्रूव्ड। रफ कॉस्ट एस्टिमेशन की जरूरत हमें इसलिए पेश आती है कि अगर हमें एक प्रोजेक्ट करना है, जब आपके पास एक एस्टिमेट आ जाएगा तो आप फिर उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं कि ये हमारे बजट लिमिट के अंदर है या नहीं, जो आपकी बजट की ब्रैकेट है उसके अंदर वो लायक कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो उस बजट के अंदर लायक कर रहा है ऑब्वियसली आप उसमें फिर आगे प्रोसीड करेंगे, आगे जो प्रोसेसेस होंगे उसको मूव करेंगे, अदरवाइज फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन के होंगे उसकी तरफ। रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रोल मटीरियल्स सच एज सीमेंट, स्टील कैन बी एस्टिमेटेड फॉर मेकिंग एप्लीकेशन टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटीज, इट इज यूज फॉर एस्टिमेशन की जरूरत इसलिए है कि ये यूज होता है फॉर फ्रेमिंग द टेंडर फॉर द वर्क एंड टू चेक द कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर। आपके पास जो एस्टिमेट आप इनिशियल जो क्लाइंट खुद से एस्टिमेट करता है फिर वो ऑब्वियसली टेंडर की तरफ चीजें जाती हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर जो आपके पास अपने रेट्स लेकर आते हैं तो एक वहां से अंदाजा होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो आपके पास हैं वो कितने अमाउंट में इसको कैलकुलेट करेंगे, और सेकेंडली जब एक वो चीजें मेच्योर हो जाएंगी कॉन्ट्रैक्टर फिक्स हो जाएगा अवार्ड आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है अवार्ड हो जाएगा, कंसल्टेंट उसमें डिफाइन हो जाएगा, देन प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, तो उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसी वर्क एग्जीक्यूट होगा तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि कितनी अमाउंट का वर्क इस टाइम हो चुका है एंड कि आप उस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर सकें। फ्रॉम क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क कैलकुलेटेड इन डिटेल एस्टिमेशन रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड अल्टीमेटली देयर ड्यूरेशन एंड होल प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज कैरिड आउट। आपके पास जो प्रोजेक्ट होता है आपने तमाम चीजें उसकी कैलकुलेट की होती हैं उसकी कॉस्ट स्पेसिफिकली कॉस्ट के वाले से, तो देर आर डिफरेंट फेजेस और डिफरेंट फेजेस के अंदर कुछ डिपेंडेंट एक्टिविटीज हैं कुछ इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज हैं और कुछ पैरेलल एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली जो प्रोजेक्ट के अंदर हो रही होंगी, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं अपनी अमाउंट को एलोकेट कर लेंगे और प्रोजेक्ट को क्या करेंगे विदाउट एनी डिले आप उसके अंदर अमाउंट को वहां पर कैश को फ्लो करेंगे और फिर वहां पर टाइमली वो एग्जीक्यूट हो सके और एज पर स्केड्यूल है। एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड एस्टिमेटर, एक जो आपके पास कंपनी में जो आपने एस्टिमेटर हायर किया हुआ है क्वांटिटी सर्वेयर यूली जिसको बोलते हैं या कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर जिसको बाहर बोला जाता है,
उसकी एसेंशियल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। तो इन प्रिपेयरिंग एन एस्टिमेट द एस्टिमेटर मस्ट हैव गुड नॉलेज रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ क्वांटिटी सर्वे। ही मस्ट थॉरली अंडरस्टैंड द ड्राइंग्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स फॉर विच ही इज गोइंग टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट। अगर उसको ड्राइंग्स ही का नहीं पता कि ड्राइंग्स के अंदर ये स्टील है, इसका क्या डाया है, कितनी स्पेसिंग है और डबल मैश है सिंगल मैश है, तो आई मीन ही इज अनेबल कि वो तमाम चीज़ों को वहाँ पे अपनी कैलकुलेशन के अंदर इंकॉर्पोरेट कर सके, और जिसकी वजह से कैलकुलेशन आपकी वेरी कर सकती हैं, और जिसने इसको हायर किया हुआ है ही मे बी इन द लॉस। ही मस्ट ऑल्सो बी क्लियरली इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्पेसिफिकेशन शोइंग नेचर एंड द क्लासेस ऑफ वर्क एंड द मटेरियल्स टू बी यूज्ड, बिकॉज द रेट्स एट विच वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क कैन बी एग्जीक्यूटेड डिपेंड्स अपॉन इट्स स्पेसिफिकेशन। बिल्कुल ठीक है, स्पेसिफिकेशंस का उसको पता होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन की नेचर का पता होना चाहिए, उसकी क्लास का पता होना चाहिए, ताकि रेट उसके अंदर वेरी ना करे, कम ना हो, जो कि उसने एक बेहतर क्वालिटी का काम किया और वो ताकि उसको क्लेम भी उसी अमाउंट के ऊपर करे। बिफोर प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट द एस्टिमेटर शुड विजिट द साइट एंड मेक अ स्टडी ऑफ कंडीशन देयर। फॉर एग्जांपल इफ द कंस्ट्रक्शन इफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज बिल्डिंग इज प्लान्ड एस्टिमेटर और हिज रिप्रेजेंटेटिव शुड विजिट द साइट, get all the available data regarding the soil, make a sketch of the site showing all the important details, obtain information concerning light, power, water, pure information concerning banking facilities, note condition of streets leading to railway yards and to material dealers, investigate general efficiency of local workmen. इसके अलावा और भी बहुत सी अगर वो estimator चाहता है तो project के साथ साथ भी ये प्रोजेक्ट आपका चल रहा हो तो किसी भी टाइम वो जाके वहाँ पे विजिट कर सकता है और चीज़ें देख सकता है, जो कि इन फ्यूचर कंट्रेक्टर क्लेम करेगा किस किस्म की वहाँ पे स्टील फिक्सिंग हो रही है, किस किस्म की कंक्रीटिंग हो रही है, कौन सी टाइप ऑफ कंक्रीट इस टाइम यूज हो रही है। जरूरी नहीं कि एक प्रोजेक्ट में थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एक ही टाइप की कंक्रीट यूज हो, देर इट मे बी पॉसिबल 3 to 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट जो कि डिफरेंट सेक्शन के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट यूज होनी हो। फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास ब्रिज कंस्ट्रक्शन है जो उसका पियर होगा जो कि वाटर के अंदर उसमें एम्बेड होना है, वाटर कॉन्टीन्यूसली आके स्ट्राइक करेगा, उसकी क्वालिटी और होगी, जो स्पैन होंगे जो स्लैब होंगी उसकी क्वालिटी और होगी, उसकी स्ट्रेंथ और होगी, ऑब्वियसली फिर उसके रेट्स भी वेरी करेंगे, जिसमें एडमिक्सचर एक्सपेंसिव होगा तो उस कंक्रीट का रेट और होगा। तो डिपेंड अपॉन कि उसके पास ये तमाम चीज़ें वो साइट पर जाके फ्रिक्वेंटली विजिट करे और उन तमाम चीज़ों का उसको आइडिया होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, अब हम एस्टिमेट्स के लिए कौन सी टाइप्स होती हैं और किस फेजेस के ऊपर हम कौन सी टाइप्स को यूज करते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स, रफ कॉस्ट एस्टिमेट है एंड डिटेल एस्टिमेट हमारे पास है। डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ एस्टिमेट सम टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट आर एज फॉलो। फर्दर जो डिटेल एस्टिमेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट आपके पास है, इंजीनियर जो कि कंसल्टेंट एस्टिमेट जो कि उनका क्यूएस करता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का क्यूएस एस्टिमेट करेगा, और प्रोग्रेस एस्टिमेट ड्यूरिंग द फेज ऑफ द प्रोजेक्ट जो के प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस होता है उस टाइम जो आप एस्टिमेट कर रहे थे उसको प्रोग्रेस एस्टिमेट बोलते हैं। रफ कॉस्ट एस्टिमेट आपके पास क्या है, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट बिफोर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्लान्स और आर्किटेक्चुरल ड्राइंग्स ऑफ द प्रोजेक्ट स्कीम, इवन देन डिटेल और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हैज नॉट बीन कैरीड आउट इज कॉल्ड रफ कॉस्ट एस्टिमेट। मैंने आपको पहले अभी बताया कि बिफोर द कंस्ट्रक्शन जब आपके पास चीजें मेच्योर नहीं होती, जब आपके पास डिजाइन ड्राइंग्स फाइनलाइज नहीं होती, उससे पहले यू मस्ट बी एबल टू एस्टिमेट द होल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सो दैट यू विल बी एबल टू हैव एन आइडिया दैट द अमाउंट व्हिच विल बी यूज्ड फॉर द करंट प्रोजेक्ट इज विद इन योर बजट और नॉट, सो दैट आप इस प्रोजेक्ट की अप्रूवल दे सकें। तो आपके पास जब एक रफ कॉस्ट आ जाएगी तमाम चीजों के बाद, उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि आपने क्या करना है। तो इसके क्या प्रोसेस होते हैं, रफ कॉस्ट कैसे फाइंड की जाती है, उसको हम अब आगे देखेंगे। दीज एस्टिमेट्स आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्निंग अथॉरिटीज। जब आपके पास रफ एस्टिमेट आएगा तो गवर्नमेंट के दायरे में ऑब्वियसली आप उसके बाद फिर चीजों को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए आगे फाइल मूव करते हैं। समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ रफ कॉस्ट एस्टिमेट्स अ प्रपोजल मे बी ड्रॉप्ड ऑलटुगेदर। जब रफ कॉस्ट एस्टिमेट विद इन बजट नहीं है तो ऑब्वियसली आप उस प्रोजेक्ट को फिर ड्रॉप कर देते हैं और प्रेफर करते हैं जो कि विद इन बजट आपके पास और प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप स्टार्ट करें। यूनिट कॉस्ट इसमें क्या होती है, यूनिट कॉस्ट इज वर्कड आउट फॉर प्रोजेक्ट सिमिलर टू प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन कैरिड आउट रिसेंटली इन नियरली द
सेम साइट कंडीशन. यूनिट कॉस्ट बेस्ट एग्जांपल ये कि आपने जो पास्ट को प्रोजेक्ट किए हो या उस प्रोजेक्ट से सिमिलर कोई और प्रोजेक्ट आपने बिल्कुल सिमिलर प्रोजेक्ट किया हो तो उसके एक्सपीरियंस से आप क्या करते हैं यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं. यूनिट कॉस्ट तमाम जितनी भी आपकी आइटम्स हैं उनकी आप यूनिट कॉस्ट निकालते हैं सो दैट यू विल बी एबल टू कैलकुलेट. जब आपके पास टोटल क्वांटिटी होगी उसकी यूनिट कॉस्ट होगी आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट उस स्पेसिफिक आइटम की आपके पास आ जाएगी. तो यूली आप तमाम आइटम्स की यूनिट कॉस्ट सबमिट करते हैं जब भी कोई टेंडर होता है और उसके बाद टोटल कॉस्ट भी आपने साथ लिखी होती है बट विद द हेल्प ऑफ द यूनिट कॉस्ट आप उसको मूव आगे मूव करते हैं देन वी हैव द टोटल बजट जो स्पेसिफिक उसके लिए आपके पास होता है प्रोजेक्ट के लिए. यूनिट कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ वर्क. फाइंड रफ कॉस्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट दिस वर्क एवरी यूनिट कॉस्ट इज मल्टीप्लाइड विद द टोटल क्वांटिटी ऑफ द प्रेजेंट वर्क इन द सेम यूनिट. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अ बिल्डिंग प्लिंथ एरिया स्क्वायर फीट के अंदर जो कि आपके पास प्लिंथ एरिया होता है अगर आप एक बिल्डिंग की केस ले लें जिसमें प्लिंथ एरिया है वो स्क्वायर फीट के अंदर आपका एरिया होगा of the proposed building is worked out uske aap calculate kar rahe hain cheezon ko which is then multiplied by the cost per unit area jahan pe aapke paas total plinth area hai to aapne kya karna hai uski cost nikalni to per unit area ki jo cost hogi per foot square ki jo cost hai aap usko multiply kar denge total ke sath of similar building actually constructed in the near past in nearly the same site conditions to find out the rough cost estimate of the building. तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपने अपनी बिल्डिंग के लिए उसका प्लिंथ एरिया निकालना है उस बिल्डिंग का तो आप क्या करेंगे जो सेम बिल्डिंग होगी और उसी सिचुएशन के अंदर कंडीशंस के अंदर क्लाइमेटिक और बाकी जो कंडीशंस होंगी लेबर के हवाले से वहाँ पे इजीली अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल मैं एक सिनेरियो दे रहा हूँ तो वहाँ पे लेबर इजीली अवेलेबल है जो सिनिटी के अंदर एक साथ बिल्डिंग बनी है उसकी जो एक्सपीरियंस है या उनका जो पर यूनिट का रेट है उससे वहां पे आप क्या कर सकते हैं अपना भी एक रफ कॉस्ट एक एस्टीमेट अपनी बिल्डिंग के लिए भी ले सकते हैं वहां से. दिस कॉस्ट इज समटाइम्स एडजस्टेड बाय द एवरेज परसेंटेज राइज इन द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड वेजेस और समटाइम्स आफ्टर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स कोई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जो बिल्डिंग का जो पर यूनिट का रेट है मे बी वो क्या हो जाए जो एक ऑलरेडी बिल्डिंग बनी उससे थोड़ा हायर हो जाए तो डिपेंडिंग अपॉन के वहां पे कुछ आपके पास रेट्स राइज कर जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम. मटेरियल की कॉस्ट राइज कर सकती है वेजेस वहां पे राइज कर जाएंगे तो आपने इन चीजों को भी उसके अंदर इंकॉर्पोरेट करना था. रफ कॉस्ट एस्टिमेट मे बी प्रिपेयर्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. वन क्या है कॉस्ट पर स्क्वायर फुट. अब ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं इसमें डिपेंडिंग अपॉन दी आपके पास प्रोजेक्ट्स के लिए उसके लिए डिफरेंट हो सकते हैं. Cost per square foot of covered area is the most commonly adopted criteria for preparing rough cost estimate for most of the residential building. For public building, cost per person is used. For example, students per bed, hospitals के लिए आप इसको prefer करते हैं. Hotels के लिए guest cost per guest के वाले से आप इसको calculate करते हैं. Then you have अगर आप for example कोई water tank बना रहे हैं, reservoir बना रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास कैपेसिटी गैलन्स के हिसाब से वो आप उसमें कैलकुलेट करते हैं. रोड बना रहे हैं तो पर किलोमीटर के कैलकुलेशन आप करते हैं पर किलोमीटर के हवाले से रोड के लिए क्योंकि पर किलोमीटर का आपके पास जो एस्टीमेट होता है वो आसान होता है और आप इजीली कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द प्रोजेक्ट और उसकी कैलकुलेशन कैसे चल रही है. अदरवाइज आप दूसरे उसमें जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएंगी बहुत ज्यादा आपके पास डाटा होगा और यू कांट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप किस किस्म की कैलकुलेशन कर रहे हैं. बट विद पर किलोमीटर रोड आपको पता होगा कि टोटल किलोमीटर इतने हैं पर किलोमीटर रेट इतना है सो दैट यू विल हैव एन इमेजिनेशन ऑफ द कॉस्ट के यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह कॉस्ट वेरी कर रही है. और सेम आपके पास एक और पैरेलल प्रोजेक्ट होगा उसमें जब आप पर माइल या पर किलोमीटर का रेट करेंगे तो आपके पास इजिली अंडरस्टैंडिंग उसकी होगी. For street cost may be per 100 feet meter of length. In case of bridges, cost per foot meter of the clear span may be calculated. अच्छा ये rough cost के से related आपके पास examples हैं. आपने ये खुद example solve करनी है. इसमें almost तमाम situation आपको दी है. बस आपने क्या करना है इसके अंदर जो आपको data provide किया गया इनको आपस में multiply करना है हर item के लिए और at the end आपने total cost इसकी calculate कर लेनी है. अब एक प्रोजेक्ट है उसमें सिर्फ जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर बहुत से आप ये कह लें कि चीजों को हम ऐड करते हैं बहुत से मिसलिनियस आइटम्स को हमें ऐड करना पड़ता है. अनफॉरसीन अमाउंट्स उसके अंदर होती हैं कंटिजेंसीज को ऐड करते हैं ओवरहेड्स ऐड करते हैं जो कि आपके पास बजाय जो आप कैलकुलेशन करते हैं तो स्पेसिफिक जो मेन आइटम्स उसमें शायद ना वो चीजें आए
उसको सेपरेटली आप क्या करते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करते हैं। तो आपके लिए सिचुएशन ये है कि कैलकुलेट द टोटल रफ कॉस्ट एस्टिमेट एंड द कॉस्ट पर फ्लैट ऑफ फॉर अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ 40 रेजिडेंशियल फ्लैट्स, अदर डिटेल्स आर गिवन इन टेबल। अब इसमें क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है टोटल रफ कॉस्ट एस्टिमेट एंड कॉस्ट पर फ्लैट। एक तो आपने टोटल कैलकुलेट करना है, जब आप पर फ्लैट की एस्टिमेट कर लेंगे तो उसके पर फ्लैट के बाद आप 40 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल रफ कॉस्ट आ जाएगा इस पूरे प्रोजेक्ट का। अदर डिटेल्स आर गिवन बिलो इन द टेबल। इसमें आपके पास सीरियल नंबर, आपके पास एक टेबल है जिसमें आपको डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। फर्स्ट सीरियल नंबर है, 5 आइटम्स हैं, इसके अलावा और भी मे भी हो। देन द पोर्शन फॉर द स्पेसिफिक आपके पास आइटम्स का, उनका एरिया यहाँ पे डिफाइन किया गया है। बिल्डिंग वर्क जो आपके पास यहाँ पे कॉस्ट के हवाले से यहाँ पे डिसाइड किया गया है, पर स्क्वायर फीट के हवाले से यहाँ पे इनके रेट्स हैं। सैनिटरी वर्क के रेट्स हैं, इलेक्ट्रिक सर्विसेज के, सुई गैस सर्विसेज के यहाँ पे रेट्स हैं। सीरियल वन में फॉर इंस्टेंस हम फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आपके पास इसी सेम उसके ऊपर है। मेन फ्लैट एरिया फॉर इंस्टेंस ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक ये एक बिल्डिंग है आपके पास। इसमें जो रेट वेरी कर रहे हैं ग्राउंड से लेके थर्ड फ्लोर तक, वो आपके पास पर स्क्वायर फीट जो ग्राउंड फ्लोर का काम होगा वो इस रेट सॉरी इतना एरिया ग्राउंड फ्लोर का है, फर्स्ट फ्लोर का इतना एरिया, ऑलमोस्ट सबका जो आपके पास एरिया है वो ये कितना है 20,030 स्क्वायर फीट आपके पास है तमाम फ्लोर्स का। देन द बिल्डिंग वर्क, इसके अंदर जो रेट्स हैं जो बिल्डिंग वर्क का होगा उसके जो रेट हैं यहाँ पर स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 1800 है, देन फर्स्ट फ्लोर पे 15 एंड 16 ये वेरी कर रहे हैं यहाँ पे रेट। सैनिटरी के लिए 130 कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रिक के लिए 100 एंड सेम गोज विद द पार्क एरिया, जो वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के पास आप पार्क होगा उसका ग्राउंड फ्लोर उसके रेट ये हैं। सर्कुलेशन एरिया इन ऑल फ्लोर उसके लिए ये है। कवर्ड शॉपिंग एरिया एट द ग्राउंड फ्लोर उसके लिए आपके पास एरिया ये है, बिल्डिंग रेट ये है और ये इलेक्ट्रिक सर्विसेज के चार्जेस हैं। ये तमाम आपके पास सिचुएशन दी गई है जो कि वहाँ पे रफ कॉस्ट के अंदर उन चीजों को ऐड करना है। देन उन्होंने इसके अंदर कुछ फॉलोइंग लमसम कॉस्ट ऐड की गई है जो कि लमसम अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है, इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होती। लमसम में रोड एंड वॉकवेज के ऊपर आपके तकरीबन 1.5 मिलियन आपको वहां पे चाहिए, 15 लाख। लैंडस्केपिंग के लिए जो आप उसमें एस्थेटिकली या उसको लेवल वगैरह या एक्सकेवेशन वगैरह करेंगे, शेप वगैरह देंगे, उसके लिए 1.2 मिलियन। एक्सटर्नल सीवरेज के लिए 7,000 जो कि मेन सीवर लाइन से आप उसको अपने रेजिडेंशियल एरिया को कनेक्ट करेंगे। एक्सटर्नल वाटर सप्लाई ओवरहेड्स, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स इससे रिलेटेड फॉर ईच सेट ऑफ फ्लैट्स उसके लिए 1.9 मिलियन की कॉस्ट आपने यहाँ पे एस्टिमेट की है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बाउंड्री वॉल्स के लिए, मिसलेनियस अनफोर्सीन आइटम्स के लिए उन्होंने कुछ अमाउंट ऐड किए। देन ऐड 6% डेवलपमेंट चार्जेस उसके उन्होंने ऐड किए, ऐड 3% कंसल्टेंसी चार्जेस। ये आपके पास लमसम कुछ अमाउंट हैं एंड देन उससे इससे पहले आपके पास डिटेल दी गई है, ये तमाम डिटेल्स हैं। तो इसमें आपने इनको मल्टीप्लाई करके एक ब्यूटी की फॉर्म के अंदर या इस टेबल के अंदर जहाँ पे आप टोटल एक रफ कॉस्ट एस्टिमेट इसमें आप मुझे यहाँ पे नेक्स्ट उसमें लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। ओके, देन वी हैव एग्जांपल टू। एग्जांपल टू भी आपके पास इसी पैटर्न पे है, रफ कॉस्ट एस्टिमेट आपने कैलकुलेट करनी है, बट सिचुएशन थोड़ी इसमें मुख्तलिफ है। प्रिपेयर अ रफ कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट विद अ टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ ऑल द बिल्डिंग ऑफ 1500 स्क्वायर मीटर गिवन दैट। लेंथ एरिया रेट आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है, टोटल आपको पता है। एक्स्ट्रा फॉर स्पेशल आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट 1.5 ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट, एक्स्ट्रा फॉर वाटर सप्लाई, ये तमाम चीजें हैं। सिंपल एग्जांपल्स हैं 2, 3 और यहाँ पे आपके पास 4। आपने इसमें रफ कॉस्ट एस्टिमेट सिंपल कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके मुझे नेक्स्ट असाइनमेंट नेक्स्ट लेक्चर में सबमिट करना है। और इसमें किसी किस्म की आपको कंफ्यूजन होगी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसमें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। रफ कॉस्ट एस्टिमेट से मूव करते हैं आगे डिटेल एस्टिमेट की तरफ। डिटेल एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय केयरफुली एंड सेपरेटली कैलकुलेटिंग इन डिटेल द कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ द वर्क दैट कॉन्स्टिट्यूट द होल प्रोजेक्ट फ्रॉम द डिटेल वर्किंग ड्राइंग्स आफ्टर डिजाइन हैज बीन एनालाइज्ड। तो ये डिटेल एस्टिमेशन हम तब करते हैं जब आपके पास तमाम चीजें मैच्योर हो जाती हैं, प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है, उसकी अमाउंट फिक्स हो जाती है, ड्राइंग्स आपके पास आ जाती हैं, ड्राइंग्स के बाद आप उसका डिटेल एस्टिमेशन फिर आप उसकी फाइनल करते हैं। द मिस्टेक इफ एनी इन द रफ कॉस्ट एस्टिमेट्स आर एलिमिनेटेड इन डिटेल्ड
एस्टीमेट। इसमें आप अगर वो रफ कॉस्ट है उसमें 100% तो रेट वो सेम नहीं होंगे, थोड़ा बहुत वेरी करेगा, तो आप इसमें डिटेल एस्टीमेट के अंदर उसको क्रैक करेंगे। डिटेल एस्टीमेट्स आर सबमिटेड टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज फॉर ऑब्टेनिंग टेक्निकल सैंक्शंस। डिटेल एस्टीमेशन जब आपके पास ड्राइंग्स आ जाएंगे उसके बाद आप अमाउंट की सैंक्शन हायर अथॉरिटीज के साथ वहां पे उसकी सैंक्शन के लिए आप उसके अप्रूवल वहां पे सॉर्ट करेंगे। द होल प्रोजेक्ट इज सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क और एक्टिविटीज। द क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम इज देन कैलकुलेटेड सेपरेटली फ्रॉम द ड्राइंग्स एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। द प्रोसीजर इज नोन एज टेकिंग आउट ऑफ क्वांटिटीज। The quantities of each item may be estimated and shown in the pattern which is called bill of quantities. जब पूरे प्रोजेक्ट को डिफरेंट आइटम्स के ऊपर वन बाय वन आइटम्स को वहां पे डिस्क्राइब करेंगे और हर आइटम की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली पर यूनिट रेट टोटल जो क्वांटिटी है और उसके बाद टोटल जो कॉस्ट है उसको एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर लिखेंगे तो उसको आप क्या बोलते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटीज, जहाँ पे हर आइटम के रेट अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोजेक्ट। The unit in which each item of the work is to be calculated should be according to the prevailing practice as followed in various department of the country. So, bill of quantities का जो format है वो इस form में है। Description of item, number कितने हैं, length, breadth, height, उसका measurement, volume calculate करने के लिए, then the quantity and the total quantity और आपके पास marks वगैरह यहाँ पे इसमें आ गए। Then price bill of quantities क्या है, description of item, उसका unit rate, उसकी quantity कितनी है, rate, then cost and then we have the remarks वाले से जितनी भी आपके पास item। Okay, detailed estimate में each item of the work is then multiplied by its estimated current rate calculated by a fixed procedure to find out the cost of the item. At the end a total of all the items of the work are made to get the total estimated cost. जब आपके पास पर हर आइटम के रेट होंगे, यूनिट कॉस्ट होगी, क्वांटिटी होगी, तो आप एट द एंड तमाम आइटम्स की जो टोटल कॉस्ट होगी वन बाय वन उसको एड अप करेंगे और एस्टीमेट कर लेंगे टोटल कॉस्ट को। द रेट्स आर यूजुअली एज पर स्केड्यूल ऑफ रेट्स फॉर द लोकेलिटी प्लस अ प्रीमियम टू अलाउ फॉर राइज इन लेबर एंड मटीरियल रेट्स ओवर एंड अबव द स्केड्यूल ऑफ रेट्स। जो आपके पास जितने भी इसमें एज पर स्केड्यूल जो रेट होगा उसके अंदर आप चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन का फॉर्मूला बनाते हैं जिसके अंदर लेबर का और प्लस आपके पास जो मटेरियल होती है जिसमें बिचुमेन है, आपके पास स्टील है, पेट्रोल है, इंजन के रेट्स वेरी करते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक आप एक फॉर्मूला बनाते हैं। वो फॉर्मूला कैसे बनता है, डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट डेटा जो आपके पास है, उस पास्ट डेटा के अंदर फॉर द लास्ट 10 ईयर, फॉर द लास्ट 5 ईयर ये रेट किस तरह वेरी करते रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, इनका रेट का वेरिएशन कितना रहा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 ईयर जितने भी ड्यूरेशन का आपका प्रोजेक्ट है उसके लिए आप एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं कि मैक्सिमम कितना ये वेरी करेगा, इस लेवल तक पेट्रोल की प्राइसेस राइज कर सकती हैं, इस लेवल तक आपके पास ऑब्वियसली एक रफ होता है मगर इन चीजों को आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट तो करना है, अदरवाइज तो आप इसको फिर ये चीज डिसाइड नहीं होगी, तो आप उस फॉर्मूले के तहत चीजों को फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर वैल्यूज को ऐड करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं और आपके पास एक पॉसिबल कंटिंजेंसीज ड्यू टू अनफोर्सीन आइटम और एक्सपेंडिचर तो अदर कॉजेस डिसाइड 2% एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। अदर देन 2% एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस के अलावा आप क्या करते हैं, 5% टोटल जो आपके पास जितने भी अमाउंट आपने एस्टिमेट किया है उसमें 5% एक सेपरेट उसमें एक एडिशन करते हैं कि जो टोटल कॉस्ट का 5% होता है। इट माइट बी पॉसिबल कि आपने किसी चीज को उसमें इनकॉर्पोरेट ना किया हो, तो अगर एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको पता चलता है कि ये आइटम्स आपने ये आइटम मिस कर दी थी और इसकी कॉस्ट फिर वो जो 5% है उसके अंदर से उसमें वहां से उसको एलोकेट कर दिया जाता है। कंटिजेंसीज व्हाइल प्रिपेयरिंग अ डिटेल्ड एस्टीमेट वन हैड टू बी वेरी केयरफुल टू सी दैट ऑल आइटम्स ऑफ द वर्क आर इनकॉर्पोरेटेड। ऑब्वियसली कोशिश तो सबकी होती है कि तमाम आइटम्स को अपने एस्टीमेट के अंदर जो भी आप बना रहे हैं उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए, बट स्टिल इट्स पॉसिबल कि आपके पास कई आइटम्स वहां पे मिस हो जाए। इट इज लाइकली दैट अ फ्यू आइटम्स दो अनइम्पॉर्टेंट इन नेचर माइट हैव बीन ओवरलुक्ड एंड विच मे रिजल्ट इन राइजिंग द एस्टीमेट ऑफ द प्रोजेक्ट। देयर मे ऑल्सो बी सर्टन अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, फॉर इंस्टेंस एक सिनेरियो ये हो सकता है कि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आपके पास एक प्रोजेक्ट था, आपने तमाम वहां पे फॉर्म वर्क इंस्टॉल किया, हर चीज रेडी थी जो कि आप एक पियर ब्रिज का पियर एक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और वहां पे एक फ्लड आया, फ्लड ने तमाम चीजों को वहां से आपको इरोड करके आगे मूव कर दिया, तो ये कंफर्ट सीन सिचुएशन है जिसमें आप
कंसल्टेंट भी बिल्कुल रेडी था और तमाम चीज़ें रेडी थी उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, स्टील फिक्स था हर चीज़, बट मशीनरी भी आपकी वहाँ पे अवेलेबल थी, बट ड्यू टू हैवी फ्लड और अनएक्सपेक्टेड फ्लड उसने तमाम चीज़ें वहाँ से, तो एक ऐसी बहुत सी सिचुएशन हो सकती हैं, अर्थक्विक हो, गॉड फॉरबिड एक अर्थक्विक वहाँ पर आए और उस किस्म की वहाँ पर सिचुएशन हो जाए, तो बहुत से अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस के लिए हो सकते हैं। हेंस अ सर्टेन अलाउंस यूनली 5-10% ऑफ द टोटल कॉस्ट इज मेड इन द एस्टिमेशन विच विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज आइटम्स दैट आर अनफॉरसीन और आर ओवरलुक्ड एंड आर नोन एज कंटिंजेंसीज। Detailed estimate में besides drawings and details of measurements and calculation of quantities BOQ, the following documents are also usually submitted with the detailed estimate for obtaining technical sanctions. Apart from जो आप एक estimate करते हैं besides drawings वगैरह या details measurements या calculation of BOQ जो आपने बनाया होता है, इसके अलावा भी जो following documents है वो भी आप submit करते हैं for obtaining technical sanctions. उसके अलावा detailed एक report होती है जिसमें explain किया जाता है उसकी history से related, उसकी ज़रूरत क्या है इस प्रोजेक्ट की, उसका स्कोप क्या है फर्दर, आपको कहाँ कहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बनाने से क्या फैसिलिटी होगी, लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं, लोगों की लॉजिस्टिक्स आसान हो जाएगी, आपको इकोनॉमिकली इसका क्या फ़ायदा होगा उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का, उसकी डिटेल रिपोर्ट होती है जो कि उस तमाम पूरे प्रोजेक्ट को जस्टिफाई करती है, पास्ट ट्रेंड बताती है कि प्रीवियसली यहाँ पे किस किस्म के इशूज थे, लोगों को नेसेसिटी एंड द स्कोप एंड द फ्यूचर एंड द मेन फीचर ऑफ द प्रोजेक्ट, इट्स डिज़ाइन एंड एस्टिमेट एक्सेट्रा। Specification laying down the nature and the class of the work material to be used in the various part of the project, the abstract of the cost, price, bill of quantities, showing the total quantities under each subhead, rate per unit of measurement and cost. Iska format uske mutabik aap submit karte hain. Calculation sheet showing calculation for important parts of the structure. In fact, in estimating the art and skill lies only in computation of details without any omission of all parts of the building or work. Then we have the classification depending upon the purpose of detailed estimation and detailed estimate. Contract estimate इसमें क्या होता है जो आपने further detailed estimation के अंदर further type थी, contract estimate में it is made by contractor for determining the price or prices to be bid. It is usually a careful prepared detailed estimate because ये contractor prepare कर रहा है और ये बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए ताकि वो चीज़ों को फिर एक्सेप्ट भी हो और आगे जाकर उनको इन फ्यूचर उसको क्लेम भी कर सके और उतनी अमाउंट के अंदर उस चीज़ों को वो बना भी सके और जो भी एक्टिविटी है उसको आगे कंसल्टेंट से प्रूव भी करा सके। इंजीनियर एस्टीमेट क्या है, दिस टाइप ऑफ एस्टीमेट इज मेड बाय द इंजीनियर जिसको कंसल्टेंट कह रहे हैं, यूजुअली फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग द वर्क एंड फॉर चेकिंग बिड्स एंड रनिंग बिल्स सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर। इसके इंजीनियर का काम क्या है कि जो ओवरऑल एक बिल बना है वो भी अपने कैलकुलेट कर लेता है, उसके बाद क्वांटिटीज को उसका आइडिया होता है, तमाम प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स उसको पता होती है, ब्यूटी उसको पता होता है, तो जितना एक आपके पास किसी भी प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक पार्ट कंप्लीट होता है तो उसके बाद वो चेक करता है तमाम बिड्स वगैरह और उसके बाद देखता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने अपना बिल क्लेम किया इज इट करेक्ट और नॉट, कि इतनी स्पेसिफिक जो आपने पोर्शन कंप्लीट किया है उसकी वाकई इतनी अमाउंट बनती है या वो एक्स्ट्रा हमसे चार्ज कर रहा है। तो इसका मेन यह है कि फाइनेंसिंग को उसको वहां पे मॉनिटर करते हैं और इसके अप्रूवल के बाद फिर आगे बिल उसका आगे क्लाइंट के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। प्रोग्रेस एस्टीमेट क्या है, दीज आर मेड बाय द इंजीनियर एट रेगुलर इंटरवल फॉर द कंप्लीटेड पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ पार्शियल पेमेंट टू बी मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। इसको ईपीसी भी बोलते हैं, आईपीसी इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट के स्पेसिफिक अमाउंट 2% ऑफ द होल प्रोजेक्ट जब वो कंप्लीट कर लेगा कि अमाउंट उसको वापस मिलेगी कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो जब वो तमाम 2% ऑफ अमाउंट ऑफ द वर्क वो अपना कंप्लीट करता है उसके बाद उसका बिल बनाएगा, वो सबमिट करेगा और ये विद प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस होगा, उस टाइम ये साथ साथ इसको क्लेम करता रहेगा और उसको अमाउंट वो साथ साथ मिलती रहेगी। ऑन लार्ज कॉन्ट्रैक्ट सच एस्टिमेट्स आर कॉमनली मेड ईच मंथ एंड हेंस आर फ्रीक्वेंटली कॉल्ड मंथली एस्टिमेट। Okay, then we have detailed estimates are prepared carefully and separately. The whole project is subdivided into different items of work activities. The quantity for each item is then calculated separately from the drawings as accurately as possible. The procedure is known as quantity takeoff. The mistakes, if any, in the rough cost estimate are eliminated in the detailed estimate. Detailed estimates are submitted to the competent authorities, consultant for obtaining technical sanction. The quantities of each item are shown in the pattern which is called bill of quantities. The unit in which each item of the work is to be calculated should be according to the prevailing practices as followed in various departments of the country.
At the end, a total of all items of the work are made to get the total estimated cost. In government department, the rates are usually as per schedule of rate plus a premium to balance the escalation of prices, labor and material. जो मैं आपको already discuss कर चुका हूँ. Okay, methods of detailed estimates. Detailed estimates में आपके पास further इसकी types हैं. Methods of detailed estimate का इसको हम discuss करेंगे और then we have in the next lecture we will discuss in detail. ये first we will give a brief introduction कि ये है क्या और next lecture में हम इसको क्या cover कर रहे हैं. The dimensions, length, breadth and height or depth are to be taken out from the working drawings, plan, elevation and section. जो आपके पास design में जितनी भी आपके पास drawings आ चुकी हैं उसके थ्रू आप क्या करेंगे, तमाम dimensions स्पेसिफिक वॉल्स की, उनकी रूफ की जो आपके पास वहाँ पे डेप्थ होगी, प्लान है, एलिवेशन सेक्शन से डिफरेंट उन ड्राइंग्स के थ्रू आप इन डायमेंशंस को वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. फॉर सिमेट्रिकल फुटिंग्स विच इज टू बी यूजुअल केस, अर्थ वर्क इन एक्सक्यूशन इन फाउंडेशन, फाउंडेशन कंक्रीट, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन इन प्लिंथ, द ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर मे बी एस्टिमेटेड बाई आइदर ऑफ द टू मैथड्स. ये तमाम चीजें क्या हैं, दो मेथड से इनसे कैलकुलेट की जा सकती हैं, सेपरेट और इंडिविजुअल वॉल मेथड एंड सेंटर लाइन मेथड. ये दो मेथड आपके पास हैं जिसके तहत आप ये तमाम चीजों की क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. इसमें हमारे पास एग्जांपल होगी, एग्जांपल के तहत हम तमाम चीजों को कैलकुलेट करेंगे. लॉन्ग वॉल जो आपके पास, द वॉल रनिंग इन द वन डायरेक्शन आर टर्म्ड एज लॉन्ग वॉल एंड द वॉल रनिंग इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन जो कि शॉर्ट वॉल्स होती हैं इसीलिए इसका नाम शॉर्ट वॉल है. और लॉन्ग वॉल जो आपके पास साइड्स में जो longer या mid में भी कोई longer एक direction में चल रही है उनको आप क्या कहते हैं, long walls कहते हैं. Without keeping in mind which wall is lesser in length and which wall is greater in length. Length of the long wall are measured or found out to out और जो आपके पास short walls हैं वो in to in उसको आसानी के लिए define किया गया. Different quantities are calculated by multiplying the length by breadth and height of the wall. Simple आप इसको quantity को calculate इस तरह कर सकते हैं. The same rule apply to the excavation in foundation, to concrete bed in foundation, DPC के लिए, masonry in foundation and superstructure etc. So separate or individual wall method ये आपके पास है, इसमें footings आपके पास है. अगर same dimension आपके पास center line के इस left side पे, right side पे इनकी same dimension है, then we go to the center line method. तो यहाँ से onward हम next lecture में इंशाल्लाह इसको start करेंगे.